आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। मेरा नाम शशांक याग्निक है। रात के 12 बज चुके हैं और लखनऊ और चेन्नई के बीच जो मुकाबला हुआ था वो खत्म हो गया है। चेन्नई को हार मिली है, लखनऊ ने अदब के साथ में लखनऊ में जीत दर्ज की है। 8 विकेटों से चेन्नई को हरा दिया है। और इस मैच के बाद अब एक और बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर की बात करें, लखनऊ की टीम की बात हो तो वो मयंक यादव से बड़ी खबर नहीं हो सकती है। मयंक यादव को जो चोट लगी थी, जो वो इंजर्ड हुए थे, जिसके चलते वो अब तक नहीं खेल पाए हैं, उस पर एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट आया है मयंक यादव की वापसी पर। मयंक यादव की वापसी कब होगी, लखनऊ मैनेजमेंट की तरफ से इस पर एक स्टेटमेंट आ चुका है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। ये जो मैच हुआ चेन्नई और लखनऊ का, लखनऊ के मैदान में ही ये मैच हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया, और डगआउट में जस्टिन लैंगर बैठे हुए थे, टीम के जो हेड कोच भी हैं। जब उनसे मयंक यादव को लेकर के सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा वो पहले मैं आपको अंग्रेज़ी में बता देता हूँ, फिर उसको ट्रांसलेट करके उस पर चर्चा भी कर लेंगे। उन्होंने कहा ही इज़ वर्किंग रियली हार्ड, और साथ में उन्होंने कहा ही रियली बोल्ड वेल इन द मॉर्निंग। मतलब उन्होंने गेंदबाजी तो शुरू कर दी है, सुबह उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी। उसके बाद उन्होंने कहा फिंगर्स क्रॉस्ड, अब देखते हैं उनकी वापसी कब तक हो पाती है, ये उन्होंने कहा है। और साथ में उन्होंने एक और जो हिंट दे दिया है, उन्होंने कहा वी आर होपिंग टू गेट हिम बैक फ्रॉम दी नेक्स्ट मैच, यानी कि जो अगला मुकाबला लखनऊ का होने वाला है उस मैच से मयंक यादव की वापसी हो जाएगी, ऐसा लखनऊ का जो खेमा है वो अंदाज़ा लगा रहा है, उसको उम्मीद है ऐसी। अब अगर मैं आपको बताऊँ, लखनऊ का जो अगला मुकाबला है ये चेन्नई के साथ ही होना है। आज वाला मैच भी चेन्नई के साथ था, इसके बाद जो अगला मुकाबला है वो भी चेन्नई के साथ ही है। आईपीएल 2024 का 39वां मुकाबला वो रहेगा और वो चेन्नई के मैदान पर होगा। तो मयंक यादव की वापसी वहाँ पर हो जाएगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और जिस तरह से उन्होंने इस सीज़न में प्रदर्शन किया है ना, तीन मैचेस वो ऑफिशियली तीन मैच खेले हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दो मैच और एक ओवर इतना ही वो खेले हैं। और दो मैचों में उन्होंने जो 6 विकेट हासिल किए थे, गज़ब की गेंदबाजी, लगातार 150 की स्पीड से गेंदबाजी करी, और एक गेंद तो 155 से भी ऊपर की स्पीड की उन्होंने फेंकी थी। उनका जो प्रदर्शन रहा था उसके बाद से चर्चे होने लगे थे कि भाई T20 वर्ल्ड कप में जो टीम जाएगी उसमें मयंक यादव का नाम भी होना चाहिए, क्योंकि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी पेस बल्लेबाजों को तकलीफ़ में डाल सकती है। जो जिस तरह से वो गेंदबाजी उनकी है वो बहुत ज़्यादा घातक है, लेकिन जो उनकी चोट लगी, इनको जो इंजर्ड हुए गुजरात के मैच में, सिर्फ एक ओवर फेंक पाए, 13 रन वहाँ पर उन्होंने दिए थे, और वो स्पीड जो उनकी 150 की एवरेज चलती थी उस एक ओवर में 140 के आसपास की उनकी स्पीड थी, यानी कि वो पूरी तरह से फिट महसूस नहीं कर रहे थे और उनको बाहर होना पड़ा, और अभी तक वो मैचेस नहीं खेल पाए। और वो जल्दी जल्दी वापसी करें, लखनऊ के फैंस भी इसी बात को चाह रहे हैं। साथ साथ जो उन्होंने बोला ना कि पिछला मुकाबला जो इनका रहा था उस मैच से पहले थोड़ा सा मयंक यादव को लेकर के जो स्टेटमेंट आया था कि थोड़ी सी टाइटनेस वो फील कर रहे हैं, और इसके चलते मैनेजमेंट उन पर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा है। जिस तरह की उनकी अभी गेंदबाजी रही है, रिस्क लेने वाले खिलाड़ी वो नहीं हैं, उन पर रिस्क नहीं ले सकता मैनेजमेंट, ये कुल मिलाकर के बात थी। लेकिन इस मैच से ठीक पहले, यानी कि चेन्नई और लखनऊ का ये जो मैच हुआ है, इस मैच से ठीक पहले जस्टिन लैंगर ने एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था वी वॉन्ट हिम टू गेट बैक एज सून एज पॉसिबल, फिंगर्स क्रॉस्ड ही विल बी बैक एंड रोरिंग अगेन इन द नेक्स्ट गेम और सो। मतलब कल उन्होंने उम्मीद जताई थी कि आज के मैच में मयंक यादव की वापसी हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, और अब जो थोड़ा सा समय मिलेगा ना, तब तक मयंक यादव पूरी तरह से फिट हो जाएंगे, वापसी करेंगे, यही लखनऊ का मैनेजमेंट चाह रहा है। तो भाई इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही है, इस वीडियो को जल्दी से ख़त्म करते हैं, और उम्मीद इस बात की है कि आप को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद अगर आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते ही रहेंगे, लाइव भी जुड़ेंगे और चर्चा तब भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी खबर यही है कि मयंक यादव की अगले मैच में वापसी होने के चांस एकदम ज़्यादा हैं, और वो मैच भी चेन्नई के साथ में 39वें मुकाबले में मयंक यादव की वापसी हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।